Good morning, students. Welcome back to your accountancy class. We are doing dissolution of a partnership firm. It is the 7th chapter from your volume 1 book. Okay. So, today is a continuation video of journal entry. हमने last video में कुछ journal entry देखी थी और आज भी कुछ journal entry देखेंगे. Okay. तो दिस इज बेसिकली अ कंसेप्चुअल वीडियो. ओके, तो आप अभी नोट्स बना रहे थे, पिछले वीडियो से आप नोट्स बना रहे थे, इस वीडियो भी आप जो करेंगे नोट्स बनाओगे. ओके, सबसे पहले हम लोग 9th पे पार्टनर्स लोन को लेकर के जो जर्नल एंट्री पास करते हैं वो देखेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हम लोग 4-5 केसेस देखे थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर. ओके, तो इसमें जर्नल एंट्री क्या करेंगे, इसमें भी कुछ केसेस हैं. पहला ए, व्हेन पार्टनर्स हैज क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. When partners has credit balance in a capital account, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, partners loan account debit to cash account. Okay, इसमें case number second. Everything I will explain while doing a question from exercise. Okay. Then, when partners have debit balances in capital account. Okay, जब partner का loan debit के side हो तो. Partners loan account debit to partners capital account. Okay, और अगर इधर अगर हमारा बैलेंस बचता है तो हम इधर कैश लिखेंगे. Okay, और अगर इधर बचता है तो हम इधर कैश लिखेंगे. ओके, दीज आर ऑप्शनल, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो है, अगर एंड में अगर हमारा प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन में तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, और अगर लॉस होता है रियलाइजेशन में तो कौन सी एंट्री पास करेंगे. ओके, तो 10th नंबर में हम देते हैं फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. ओके, प्रॉफिट होगा तो कौन सी एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एट द सेम टाइम इफ देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन तो हम कौन सी एंट्री पास करते हैं. ओके, फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस होती है तो क्या कौन सी एंट्री पास करते हैं, जस्ट डिपॉजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, और अगर कैपिटल में अगर सरप्लस हो जाता है, मतलब सरप्लस मतलब सब कुछ बेचने के बाद
हमारे पास जो आता है उसमें हम लोग सब सब कुछ पे कर दिए, ओके। तो हमने लिखा था ना, जो अगर एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है, हमने आउटसाइड डेब्ट्स भी पे कर दी, ओके, एवरीथिंग वी हैव पेड, उसके बाद भी हमारे पास अगर कुछ बच जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस। और अगर हमारे पास जितने भी हमारे लाइबिलिटीज़ है उनको हम नहीं दे पा रहे हैं सारे को, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी, ओके। तो पहला केस देखते हैं, इफ सरप्लस फॉर सरप्लस ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस हो जाए तो, ओके, अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस कुछ अमाउंट आ जाता है तो कौन सी एंट्री करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ओके। ये एंट्री कब की है, सरप्लस की, ओके। अब हम देखते हैं अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी एंट्री पास की जाए, फॉर डेफिशिएंसी, ओके, इसमें कौन सी एंट्री होती है, कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है किस किस की एंट्री, डेफिशिएंसी की एंट्री, ओके। अब हम लोग देखेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रिक ऑन दिस टॉपिक, ओके। तो वी विल सी ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके। रिजर्व में जनरली किसकी राइट होती है, पार्टनर्स की राइट होती है, बट वी विल सी थ्री केसेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ओके। वी आर गोइंग टू डील विद द थ्री केसेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो केस नंबर वन ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको आपको फिर बाद में एक्सरसाइज भी करना है। फर्स्ट इज, मैं एक जस्ट ले रही हूँ सैंपल के लिए क्वेश्चन, ताकि उसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। मान लो यहाँ पे है बैलेंस शीट, ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ओके। लायबिलिटी की तरफ हमें दी जाती है सारी रिजर्व, ओके। तो दिया हुआ है यहाँ पे 12,000, ठीक है। अभी यहाँ पे जो नीचे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी जाएगी वो हमारा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम केस वन ले रहे हैं, नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ठीक है। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ भी हमें नहीं दिया गया है रिगार्डिंग द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ओके। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम, आपको तो पता ही है ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है हम यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 रुपया दी गई थी। हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि काम करते वक्त अगर मजदूर को कोई भी चोट लग जाए, ठीक है, उनका कोई भी हाथ डैमेज हो जाए, पैर डैमेज हो जाए, एनी थिंग्स वॉट एवर हैपन्स, एक्सीडेंट जो भी होती है उनके साथ, अगर ये हो जाती है तो हम उसको कंपनसेशन दे पाएँ उसके लिए, ओके। तो इसीलिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ओके। तो हमने बना रखी थी, ओके, हमने बना रखी थी, ये हमारे बैलेंस शीट में है, बट कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यही होगा कि उस साल कोई भी मजदूर को कोई भी चोट
नहीं लगी होगी, तभी तो वो लोग क्लेम नहीं किए, वरना वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी हो जाता हमारा, हमें देना पड़ता। तो यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं मिलने की वजह से ये जो अमाउंट था रिजर्व का, उसका तो यूज नहीं हो पाया। ओके, अब यूज नहीं हो पाया तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ रिजर्व। ओके, दिस इज केस नंबर वन। ओके, अब केस नंबर टू देखते हैं। केस टू, ओके, अब केस टू में क्या है, हमारा वर्क मैन कंपनसेशन लाइबिलिटी एक दिया हुआ है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी दी गई है कितना, 6,000 का। ओके, अभी मैं ये बैलेंस शीट में जो फिगर है वो तो है ही। ओके, बैलेंस शीट में जो मेरा फिगर है ही, और उसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे मिला है कि वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितने की है, 6,000 की है। अब आप बताओ कि हमने बना रखी थी 12,000 की, और अभी हमारा लाइबिलिटी कितना हो गया है, 6,000। तो इस केसेस में क्या कैसे डील होता है। ओके, हम लोग फिर से करेंगे यहाँ पे, हमारा दो इम्पैक्ट होगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग शो करेंगे और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट ओके, एंड इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। ओके, बोथ साइड वी आर गोइंग टू शो इट। ओके, अब सबसे पहले हम आपको तो पता है कि आपने रिजर्व बना के रखा था 12,000। ओके, उसमें से लाइबिलिटी आ गई 6,000 की, तो आपके पास बचा कितना, 6,000 बचा। ओके, तो जो भी अमाउंट आपके पास बचता है आप उसको क्या करते हो, किसको दे देते हो, पार्टनर्स को दे देते हो। ओके, तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसको क्या करोगे आप, पार्टनर को दे दोगे। सबसे पहले वो काम कर लेते हैं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके हमने, ठीक है, क्या कर दिया, पार्टनर्स को दे दिया। ओके, कितना बचा हमारे पास, 6,000 बचा, 6,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, ठीक है। मैं इसको 5,000 ले जाती क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है, ये हमारा 5,000 है। ओके, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे, 7,000 बचा अनयूज्ड, ठीक है। उसको जो अनयूज्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को दे देते हैं ताकि उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि हम लोग जो रिजर्व बनाते हैं वो प्रॉफिट के आउट ऑफ प्रॉफिट ही बनाते हैं, और प्रॉफिट में तो पार्टनर्स का ही हक होता है, जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है। ओके, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पार्टनर्स को ही दे देते हैं, ठीक है। बट अब जो यहाँ पे जो है वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी जो 5,000 की आ गई है हमारे सामने, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहले तो हम उतनी की लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है हमारी, तो हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, ठीक है, 5,000 लिख दिया हमने। अब सेम लाइबिलिटी अगर क्रिएट हुई है किसी, ठीक है, किसी मजदूर का पैर टूट गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, ठीक है। तो हमने तो उसको एंट्री कर दी कि हमारा लाइबिलिटी 5,000 का क्रिएट हुआ है, क्योंकि मजदूर ने क्लेम किया है 5,000 के लिए। तो जब अगर उसने क्लेम किया है तो हम उसको पेमेंट भी तो करेंगे, हम उसको कैश करेंगे ना, कैश देंगे उसको 5,000 की। तो हम लोग यहाँ पे देने की भी एंट्री करते हैं, ओके, टू कैश अकाउंट 5,000। ओके, वी हैव डन विद द टू केसेस, नाउ वी विल डिस्कस थर्ड केस विच इज लिटिल बिट टिपिकल केस, एंड आपको यहाँ पे कुछ भी थोड़ा थोड़ी चीजें जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज केस थ्री। केस थ्री में मैंने फिर से वो बैलेंस शीट नया से बनाया, क्योंकि मैंने पेज टर्न कर लिया तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। तो केस थ्री है हमारा, बैलेंस शीट में WCR हमारा कितने अमाउंट में दिखा रहा है, दैट इज 12,000 में। ओके, और यहाँ पे हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि WCL दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी हमारा कितना है, 16,000 का, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने सिर्फ रिजर्व में कितना क्रिएट करके रखा हुआ था,
12,000 और हमारा लाइबिलिटी कितना आ गया, लगता है उस साल 2-3 मजदूर को चोट लग गई होगी, ओके okay, तो हमारा क्लेम कितना आया है 16,000 की लाइबिलिटी बन गई है, ओके okay, तो अभी हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो दो अकाउंट बनाते थे हम लोग, वही बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके देन यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बताइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में हम क्या सेंड करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं, द अमाउंट विच इज लेफ्ट ओवर, जो अमाउंट बच जाती है लाइबिलिटी पे करने की बाद उसको सेंड करते हैं। यहाँ पे तो हमारा कोई भी अमाउंट नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, अमाउंट नील होगा। यहाँ पे कुछ भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इस बार सेंड नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ठीक है, पहले तो यहाँ लिखेंगे डबाई WCL, ओके WCL मतलब लाइबिलिटी हमारा जो है WCL उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही अमाउंट लिखेंगे विच इज गिवन इन अ बैलेंस शीट, जितना हमने क्रिएट करके रखा है, ओके वही अमाउंट लिखेंगे, ओके तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे क्रिएट किया होगा, हमारे पास एक बक्सा है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं WCR की अमाउंट को हर एक दिन डालते हैं, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया होगा 12,000, ओके दिस इज आवर, यहाँ पे एक बक्सा था जहाँ पे हम लोग डालते थे, ठीक है। तो यही सेम अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास जितना है वही अमाउंट लिखेंगे हम, ठीक है। बक्से का अमाउंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, बक्से का अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम एक बक्सा क्रिएट किए हुए हैं ना, जहाँ पे हम सारा WCL में जो भी हमें जमा करना है हम वहाँ पे जमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब WCL की बात होती है इस केस में, वैसे केस में जहाँ पे WCL एक्स्ट्रा हो WCR से, ओके तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हमने जितना क्रिएट करके रखा हुआ है रिजर्व, ओके वही सेम अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, नो मैटर वॉट एवर इज द क्लेम, वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ अमाउंट ऑफ क्लेम कितना है 16,000 है, हो सकता है ये 18,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, एनीथिंग इट कैन बी, ओके क्योंकि क्लेम तो कितना भी आगे हो सकता है सीवियर एक्सीडेंट हो जाओ किसी मजदूर की, ठीक है, तो वो क्लेम कितना भी मांग सकता है। बट हम यहाँ पे उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना कि हमारे पास है अभी पॉकेट में, ओके तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 12,000 है, ओके तो हम यहाँ पे उतना ही अमाउंट लिखेंगे बाय WCL करके 12,000, ऑलराइट। बट हमें पे तो करना है जितना हमारा अब क्लेम है, उससे हम नहीं बच सकते, हमें कितना पे करना है जितना कि हमारा क्लेम है, ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट 16,000, क्योंकि हमको जितना हमारा लायबिलिटी होता है हमें वो पूरा का पूरा लायबिलिटी पे करना है, ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश में 16,000 एंड यहाँ पे वही अमाउंट लिखेंगे जो कि हमारे पास है अभी बक्से के अंदर, ओके और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि तभी ट्रांसफर होता था जब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बचता था, बट इस केस में हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बट कि और हमें डालना है उसमें, ओके तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं जाएगा एंड बाकी दो में ये अमाउंट जाएंगे, ओके सो आई एम एंडिंग द कंसेप्ट हियर ओनली, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज, सो बी रेडी फॉर इट, रिवाइज द कंसेप्ट एंड मेक इट इन अ नोट्स, ओके टिल देन थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।